मैं देख रहा हूं थोड़ी हमारे साथ समय का भी अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हमारे विदेश से हमारे पधारे, खास करके मैं देख रहा हूं कि समय अभाव के कारण मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सम्मानीय मंच और विशेष रूप से विदेश से पधारे मेहमानों का मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही देश भर के भिन्न भिन्न राज्यों से जो भी हमारे मेहमान आज के इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज साथ ही हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों, आज राजयोग के द्वारा विश्व शांति और स्वास्थ्य और खुशी विषय पर आयोजित इस महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में देश भर से पधारे भाइयों और बहनों को मैं इस माउंट आबू में, जहां इस संस्थान का मुख्यालय है, इस पवन भूमि पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी के मध्य आकर, आप सभी के बीच आकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और अत्यंत आनंद का भी अनुभव हो रहा है कि मैं एक ऐसे आध्यात्मिक परिसर पर, भूमि पर मैं उपस्थित हूं। और ऐसे तो आपके इस मुख्यालय पर आप सभी के मध्य आने का यह मेरा दूसरा अवसर है। इसके पूर्व में ऐसे तो गुरुग्राम तथा अन्य स्थलों पर भी होने वाले कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ है, और इसके पूर्व में ये हमारी दूसरी बार मैं आपके इस कार्यक्रम में, कहा जाए इस प्रकार के आयोजनों पर मैं आपके बीच, ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। इसके पूर्व में ग्राम विकास पर मुझे लगता है कि खास करके हमारे माउंट आबू में एक ग्राम विस्तार पे, मुझे लगता है ग्राम विकास पे कोई एक युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित हुई थी, उस कार्यक्रम में मैं आया था। और इसे 5 दिवसीय इस महासम्मेलन में मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करने के साथ साथ शांति, अपने स्वास्थ्य तथा वास्तविक जो खुशी है, आनंद का अनुभव कैसे हो, इस पर आगामी 4 दिनों तक विचार मंथन होने वाला है और आध्यात्मिक की चर्चाएं भी होने वाली है। विश्वविद्यालय सदैव पूरे विश्व भर में राजयोग की शिक्षा के माध्यम से मानव कल्याण और विश्व शांति के साथ साथ बंधुत्व के संकल्प के तरीके से कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्नत और योगी खेती कर किसानों के कल्याण के लिए, उनके सुख समृद्धि और शांति के लिए देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम अपने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, इस प्रकार के अभियान पूरे देश भर में चल रहे हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी मुझे एक दो अवसर प्राप्त हुए हैं जिन कार्यक्रमों में हमने भाग लिया है।
और हम सभी को मैं समझता हूँ आज इसकी आवश्यकता भी है कि दुनिया में कैसे लोगों को खुशी मिल सके, लोगों का स्वास्थ्य कैसा ठीक रहे, विश्व में कैसे शांति स्थापित हो सके। आज जहाँ पूरे विश्व भर में संघर्ष दिखलाई पड़ती है, टकराव दिखलाई पड़ती है, उस परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इसी आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही और ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं राजयोग शिक्षा के माध्यम से ही विश्व में शांति एवं आनंद और खुशी आ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि यह महासम्मेलन अत्यंत सफल और सार्थक सिद्ध होगा। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। इस प्रकार जगत कल्याण में, विश्व कल्याण में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर मैं विराम देता हूं और साथ ही आज मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जो भी आज लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग कर रही हैं। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए और इस चर्चा के माध्यम से, इस चार दिन के इस सम्मेलन के माध्यम से निश्चित रूप से कई प्रकार के महत्वपूर्ण विचार बिंदु इस चर्चा के माध्यम से आएंगे और मैं समझता हूं कि सार्वभूत सारगर्भित इस चर्चा से दुनिया में, विश्व में निश्चित रूप से शांति आएगी, सभी को खुशी होगा, आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम शांति।